मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध शराब के विरोध में महिलाओं ने एसपी और कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर गांव में ही हो रहे अवैध शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पूरा मामला महाराजपुर गाँव का है, जहाँ दो दिन पहले अवैध शराब के विक्रय को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के लोग मामले की शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचे थे। मामले में किसी तरह की शीघ्र कार्रवाई होते ना देख गांव की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का रुख किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी देर तक गहमागहमी का माहौल रहा। वहीं कलेक्टर अवधेश शर्मा ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। मना कौन कर रहा है कि नहीं बनती आपकी सरकार? तो उन्होंने एक ही काम नहीं है, ऊपर और भी काम है।